So, class 11th, once again, good morning to all of you. So, today I will discuss regarding the financial adjustment. ठीक है? So, financial adjustment. So, क्या है adjustment? Without adjustment, I have already told you. So, next topic I will discuss regarding without adjustment. With adjustment. So, with adjustment क्या है? देखो, सपोज कि 31 मार्च में हमारी बैलेंस शीट क्रिएट हो रही है, बहुत सारे डाटाज हैं जो एंट्रीज हैं जो रह जाती हैं करने से, ठीक है, छूट जाती है, ठीक है. सो उस एंट्रीज को हम करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए वो एंट्रीज हमको करनी पड़ती है. तो वो जो एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट का ट्रांजेक्शन जो होता है दो जगह होगा. पहली चीज़ तो या तो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो एक जगह ट्रेडिंग का ट्रांजेक्शन और दूसरी जगह बैलेंस शीट का. अगर वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है तो एक जगह प्रॉफिट लॉस का ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट. तो एडजस्टमेंट का जो ट्रांजेक्शन होता है वो हम दो जगह पोस्ट करते हैं, ठीक है. सो पहली जगह जो है हमने बताया, या तो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो बैलेंस शीट में जाएगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट केवल, ठीक है. और अगर वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट लॉस में तो जाएगा, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में भी प्रिपेयर होगा. सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 16,000 रुपीज. तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 16,000 की वैल्यू है, गिवन है हमारे पास वैल्यू, तो हमने पोस्ट कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक को 16,000 रुपीज, ठीक. क्लोजिंग स्टॉक को देखो, एडजस्टमेंट के बाहर था, ट्रायल के बाहर था, हमने दो जगह इसका ट्रांजेक्शन किया, एक जगह यहाँ और दूसरी जगह एसेट साइड, ठीक. नाउ द नेक्स्ट थिंग, वेजेस 2,000 एंड सैलरी आर आउटस्टैंडिंग. पहली चीज़ तो ये देख लें कि इस वेजेस जो है वो हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है. और वेजेस हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, कितना क्वेश्चन में दिया है, 10,000 रुपीज़, ठीक है. तो वेजेस हमारी है 10,000, तो यहाँ पे आपको लिखना है वेजेस, यू हैव टू राइट हियर वेजेस 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये हमारा एडजस्टमेंट है. तो इस साल टोटल वेजेस थी 12,000 रुपीज़, यानी वेजेस कितना देना बाकी है, 2,000 रुपीज़ वेजेस देना बाकी है, तो हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं, इसके बाद हम परचेज़ की बात कर लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका 12,000 था, परचेज था 40,000, तो रिटर्न था 4,000, यानी टोटल एक्चुअल नेट परचेज आपका हुआ 36,000, ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार ट्रांजेक्शन्स पर, एक बार एडजस्टमेंट पर देखते हैं. रेंट है फॉर 2 मंथ्स एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, 2 मंथ का रेंट देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है. तो रेंट हमारा पार्ट होता है प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड, तो हम लोग उसको प्रॉफिट लॉस में हम एडजस्टमेंट का डिस्कशन करेंगे. डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस का पार्ट है. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस का पार्ट है. तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो आपके पास ट्रेडिंग से रिलेटेड है. तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कैरेज ऑन परचेज, ठीक है. सो एक ये ट्रेडिंग का पार्ट है, कैरेज ऑन परचेज, ठीक. सो यहाँ पर हम पोस्ट कर दे रहे हैं कैरेज ऑन परचेज, ठीक है. कैरेज ऑन परचेज हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, कैरेज ऑन परचेज है हमारे पास बुक में है 700 रुपीज़, ठीक है. अब हमारे पास बच क्या गया, सेल्स, बाई सेल्स और माइनस रिटर्न, ठीक है. तो सेल्स है हमारे पास टोटल है 86,000, यानी 86,000 की सेल्स माइनस 6,000 का रिटर्न, टोटल हुआ 80,000 रुपीज़, ठीक. सो टोटल 80,000 रुपीज़ की हमारे पास सेल है, ठीक. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रांजेक्शन की क्या ग्रॉस पर, बाकी सब जो एंट्रीज हैं वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, तो हम प्रॉफिट लॉस का एंट्री करेंगे हम बाद में. तो 80,000 पहले हम जीपी पोस्ट कर लें, माइनस 12,000 माइनस 36,000 माइनस 700 माइनस 12,000 रुपीज़. सो क्लास, नेक्स्ट थिंग आई विल टेल यू, परचेज एंड परचेज रिटर्न, कैरेज ऑन परचेज, ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट कर रहे हैं वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का. सो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये पता है कि क्रेडिट ज़्यादा होना चाहिए, यानी क्रेडिट कितना है, 96,000 आपका क्रेडिट बैलेंस. तो डेबिट देख लेते हैं कितना है, ठीक है. सो 12,000 36,000 प्लस 700, ठीक है, 12,000 प्लस 36,000 700 12,000.
तो आपका 60,700 आपका जो आ रहा है डेबिट बैलेंस, यानी आपके पास जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यानी ये ज़्यादा है ये कम है, तो क्या हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। कितने की है ग्रॉस प्रॉफिट सीडी हमारी है 35,300 रुपीज़, ठीक है 35,300 रुपीज़। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसके बाद की एंट्री जो बच गया वो प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो इसके बाद जब हम प्रॉफिट लॉस डिस्कस कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस में आपको सबसे पहला जो एडजस्टमेंट दे रखा है वो है सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200। तो सैलरी आपके पास फिगर है टोटल 2400 की, ठीक है। सैलरी को एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी टोटल सैलरी है 2400 की। तो सैलरी हमारा पार्ट है प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। 2400 की सैलरी है और हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है हमारे पास टोटल है 1200 की। सो टोटल हो गया हमारा 3600, ठीक है। सो 3600 का हमारा टोटल सैलरी इस साल की, ठीक। फिर हम ऑफिस एक्सपेंसेस पे चलते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस फिर नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट, हम ऑफिस एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। ऑफिस वर्ड ही शो करता है कि ये प्रॉफिट लॉस है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस 1200 का ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, हम बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 400 का आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400, ठीक है। सो 400 का आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन, टोटल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड द फिगर इज 800। तो टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका टोटल कितना है, टोटल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 800। नीचे दे रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो फायर से ही रिलेटेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस 400। तो इस साल का जो इंश्योरेंस है वो टोटल 400 रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू कमीशन। कमीशन इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सो इट शुड बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन पेड है, कमीशन डेबिट है, तो ये पार्ट है आपका प्रॉफिट लॉस का, 400 का आपका कमीशन है, ठीक। सो नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यानी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 200 का हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो ये हो जाएगा 600। सो लास्ट टॉपिक में गिवन है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 200 एडजस्टमेंट में, तो 200 रुपीज़ का एडजस्टमेंट हम लोग कर दिए हैं, यानी हमारे पास इंश्योरेंस की जो फिगर है वो 800 है। नाउ प्रीपेड इंश्योरेंस 200, द इस साल का टोटल इंश्योरेंस कितना है 600, कमीशन पेड 400 रुपीज़, तो इट शुड बी डेबिटेड। सो रेंट रेट एंड टैक्सेस की बात कर लेते हैं। टू रेंट एंड टैक्सेस। सो टोटल रेंट गिवन इन द क्वेश्चन 1800 का रेंट है, एंड रेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, रेंट के लिए कह रहा है कि रेंट फॉर द टू मंथ्स एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हुआ, आउटस्टैंडिंग रेंट यानी 500 इंटू टू, तो हो जाएगा आपका 1000। तो 1000 यानी इस साल का टोटल रेंट हो गया 2800 रुपीस। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, अब हम लोग बात कर लेते हैं, पहला हो गया क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, रेंट फॉर टू मंथ्स भी हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बिल्डिंग पे और मशीनरी पे। डेप्रिसिएशन अगर कभी भी हम चार्ज करते हैं बिल्डिंग और मशीनरी पे, तो फिगर क्या है, यानी डेप्रिसिएशन की जो फिगर होगी वो क्या होगी, ठीक। सो पहले चेक कर लेते हैं हम लोग बिल्डिंग पे और मशीनरी पे टोटल फिगर कितनी, यानी टोटल बिल्डिंग की जो कॉस्ट है हमारी, बिल्डिंग है हमारे पास टोटल 50,000 की बिल्डिंग, और मशीनरी है हमारे पास टोटल, मशीनरी जो डेप्रिसिएशन लगा रहा है 20,000 की। तो पहले बिल्डिंग पर हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, ठीक है। सो बिल्डिंग पर जब डेप्रिसिएशन होगा तो डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, सो डेप्रिसिएशन ऑन
बिल्डिंग, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितनी है, यानी बिल्डिंग है हमारी 50,000 और 50,000 का कितना परसेंट चार्ज करने के लिए बोल रहा है, 5% बिल्डिंग पे चार्ज करें। 50,000 का 10% हम मान लीजिए 5,000, उसका आधा कर दीजिए 2,500 रुपीज़, यानी आपके पास बिल्डिंग पे कन्फर्म है कि 2,500 रुपीज़ चार्ज होंगे, ठीक। फिर चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, 20,000 की मशीन, 20,000 द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 20,000, द कॉस्ट ऑफ द टोटल मशीन इज 20,000, सो 20,000 का टोटल परसेंट कितना हो गया, 10%, सो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपीज़, ठीक। सो 2,000 रुपीज़ आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हो गया। सो क्लास 11th, सो दिस इज़ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या लॉस है कि प्रॉफिट है, ठीक है। सो 35,300, 400 and 800, तो क्रेडिट साइज का जो टोटल आ रहा है 36,500, ठीक है। सो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 36,500, तो डेबिट कितना है चेक कर लेते हैं, 36,600, 1,200, 400, 600, 400, 2,800, 2,500, 13,500। प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कितना है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट है टोटल आ रहा है 23,000 का, ठीक है। सो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 23,000 रुपीज़, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था विद एडजस्टमेंट। अब सबसे पहली चीज़ हम लोग करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सबसे पहली चीज़ बैलेंस शीट आप बना लेते हैं, कैपिटल प्लस अगर कोई नेट प्रॉफिट है माइनस ड्रॉइंग। सो क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है। सो कैपिटल हमारे पास है इस क्वेश्चन में, टोटल कैपिटल है 62,000 की कैपिटल है, नेट प्रॉफिट यहाँ से उठाइए 23,000, ठीक है, तो हो जाएगा टोटल, ड्राइंग्स है नहीं इस क्वेश्चन में, तो आपके पास जो टोटल आपकी जो कैपिटल आएगी वो आएगी 85,000 की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स के बारे में, कह रहा है क्रेडिटर्स है 10,800 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्या एडजस्टमेंट जो लाइबिलिटी से रिलेटेड है, यानी लाइबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट छूट गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, हमने कहा ना कि दो जगह ट्रांजेक्शन होगा इसका, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है हमारी, पहला ट्रांजेक्शन 2,000 रुपीज़, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। और कहीं आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है जो देना बाकी है, जो लाइबिलिटी है 1,200, ठीक है। और कहीं चेक कर लेते हैं कि कहीं आउटस्टैंडिंग है, जी हाँ आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपीज़, सो आपके पास वेजेस हो गया, सैलरी हो गई और हमारे पास रेंट भी हो गया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल जो है लाइबिलिटी साइड्स का भी चेक कर लेंगे कितना आएगा, 85,000, 10,800 एंड 2,000 प्लस 1,200 प्लस 1,000 रुपीज़, तो टोटल 1,00,000। अब हम एसेट्स की बात कर लेते हैं, एसेट्स में क्या क्या, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है आपका, टोटल कैश इन हैंड 2,300 रुपीज़, ठीक है, 2,300 रुपीज़ का आपका कैश इन हैंड है। डेटर्स की बात कर लेते हैं, डेटर्स है हमारा 16,000 का, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, आपकी एसेट्स है, जो इस साल की फिगर नहीं थी तो इस साल का खर्चा हमारा बच गया, तो 200 रुपीज़ हमारे पास, ये एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट, ठीक है। एडजस्टमेंट का आप ट्रांजेक्शन देख रहे हैं दो जगह, देखिए आउटस्टैंडिंग यहाँ पे किया था एक ट्रांजेक्शन, एक ट्रेडिंग था तो दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा पीएल था तो दूसरा बैलेंस शीट, तो यही है हमारा एडजस्टमेंट,
नेक्स्ट टाइम हम लोग चेक कर लेते हैं, इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, कैश इन हैंड हो गया, डेटर्स हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या और कोई फिगर, क्लोजिंग स्टॉक आई हैव ऑलरेडी डन। सो नेक्स्ट थिंग डेप्रिसिएशन आपका बचा हुआ है, नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो सबसे पहले मशीन की कॉस्ट देख लेते हैं, मशीन की कॉस्ट थी 20,000, ठीक, माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपका मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है 2,000 रुपीज। तो इस साल की मशीन में, मशीन की कॉस्ट इस साल क्या रही, ठीक है। फिर हम बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन देखते हैं, बिल्डिंग थी हमारी 50,000 की, ठीक है। सो इस साल हम डेप्रिसिएशन काउंट किए हैं, टोटल था हमारा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर 2,500 रुपीज, तो आपका बिल्डिंग कितनी हो गई, 47,500। सो ये था हमारा बिल्डिंग तक का फिगर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं बाकी कोई फिगर छूटी नहीं। एडजस्टमेंट का ट्रांजेक्शन दो जगह होना है ये कंफर्म, ठीक है। तो 2,300, 16,200 प्लस 18,000 प्लस 47,500, तो ये हो गया आपका 1,00,000। यानी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका 1,00,000 रुपीज़ ये हो गया, 1,00,000 रुपीज़ ये हो गया। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ प्रॉफिट लॉस का। सो ये पहला क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का। एडजस्टमेंट आप देख रहे हो कि एडजस्टमेंट का लेखा हमने दो जगह किया है, एक जगह अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में, और दूसरा एडजस्टमेंट हमने यहाँ किया है स्टैंडिंग वेजेस जो है वो ट्रेडिंग से है तो ट्रेडिंग में कर दिया, पहला ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग में। उसके बाद जो छूटा हुआ था यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने लाइबिलिटी में भी पोस्ट कर दिया। यानी इस साल हमारी टोटल वेजेस कितनी थी, 12,000, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जितना देना बाकी था 2,000, तो हमने पोस्ट कर दिया। उसी तरह सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी है प्रॉफिट लॉस, सैलरी 2,400 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, तो टोटल हो गया 3,600। तो हमने यहाँ आउटस्टैंडिंग जो हमारा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में दिया था कि आउट सैलरी छूटी है 1,200 से, तो सैलरी हमने पोस्ट कर दी। उसी तरह रेंट भी था, उसी तरह डेप्रिसिएशन भी था, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी था, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सो यू हैव टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्लास 11th, सो दिस इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या लॉस है कि प्रॉफिट है, ठीक है। सो 35,300, 400 एंड 800, तो क्रेडिट साइज का जो टोटल आ रहा है 36,500, ठीक है। सो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 36,500, तो डेबिट कितना है चेक कर लेते हैं। 3,600, 1,200, 400, 600, 400, 2,800, 2,500, 2,000, 13,500। प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कितना है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट है टोटल आ रहा है 23,000 का, ठीक है। सो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 23,000 रुपीज़। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था विद एडजस्टमेंट। अब सबसे पहली चीज़ हम लोग करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सबसे पहली चीज़ बैलेंस शीट अब बना लेते हैं। कैपिटल प्लस अगर कोई नेट प्रॉफिट है माइनस ड्रॉइंग। सो क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है। सो कैपिटल हमारे पास है इस क्वेश्चन में, टोटल कैपिटल है आपकी, टोटल कैपिटल है 62,000 की कैपिटल है। नेट प्रॉफिट यहाँ से उठाइए 23,000, ठीक है, तो हो जाएगा टोटल। ड्राइंग्स है नहीं इस क्वेश्चन में, तो आपके पास जो टोटल आपकी जो कैपिटल आएगी वो आएगी 85,000 की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में कह रहा है, क्रेडिटर्स है 10,800 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्या एडजस्टमेंट जो लाइबिलिटी से रिलेटेड है, यानी लाइबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट छूट गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, हमने कहा ना कि दो जगह ट्रांजेक्शन होगा इसका। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है हमारी, पहला ट्रांजेक्शन 2,000 रुपीज़, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। और कहीं आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है जो देना बाकी है, जो लाइबिलिटी है 1,200, ठीक है। और कहीं चेक कर लेते हैं कि कहीं आउटस्टैंडिंग है, जी हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपीज़। सो आपके पास वेजेस हो गया
सैलरी हो गई और हमारे पास रेंट भी हो गया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल जो है लाइबिलिटी साइड्स का भी चेक कर लेंगे कितना आएगा। 85,000, 10,800 एंड 2,000 प्लस 1,200 प्लस 1,000 रुपीज, तो टोटल 1,00,000। अब हम एसेट्स की बात कर लेते हैं। एसेट्स में क्या क्या, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है आपका, टोटल कैश इन हैंड 2,300 रुपीज। ठीक है, 2,300 रुपीज का आपका कैश इन हैंड है। डेटर्स की बात कर लेते हैं, डेटर्स है हमारा 16,000 का। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, आपकी एसेट्स है, जो इस साल की फिगर नहीं थी तो इस साल का खर्चा हमारा बच गया, तो 200 रुपीज हमारे पास। ये एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, एडजस्टमेंट का आप ट्रांजेक्शन देख रहे हैं दो जगह। देखिए, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे किया था एक ट्रांजेक्शन, एक ट्रेडिंग था तो दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा पीएल था तो दूसरा बैलेंस शीट, तो यही है हमारा एडजस्टमेंट। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, कैश इन हैंड हो गया, डेटर्स हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या और कोई फिगर, क्लोजिंग स्टॉक आई हैव ऑलरेडी डन। सो नेक्स्ट थिंग, डेप्रिसिएशन आपका बचा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो सबसे पहले मशीन की कॉस्ट देख लेते हैं। मशीन की कॉस्ट थी 20,000, ठीक, माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपका मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है 2,000 रुपीज। तो इस साल की मशीन में, मशीन की कॉस्ट इस साल क्या रही। ठीक है, फिर हम बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन देखते हैं। बिल्डिंग थी हमारी 50,000 की, ठीक है, सो इस साल हम डेप्रिसिएशन काउंट किए हैं, टोटल था हमारा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर 2,500 रुपीस, तो आपका बिल्डिंग कितनी हो गई, 47,500। सो ये था हमारा बिल्डिंग तक का फिगर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, बाकी कोई फिगर छूटी नहीं। एडजस्टमेंट का ट्रांजेक्शन दो जगह होना है, ये कन्फर्म। ठीक है, तो 2,300, 16,000, 200 प्लस 18,000 प्लस 47,500, तो ये हो गया आपका 1,00,000। यानी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका 1,00,000 रुपीज़ ये हो गया, 1,00,000 रुपीज़ ये हो गया, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ प्रॉफिट लॉस का। सो ये पहला क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का। एडजस्टमेंट आप देख रहे हो कि एडजस्टमेंट का लेखा हमने दो जगह किया है, एक जगह अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में, और दूसरा एडजस्टमेंट हमने यहाँ किया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो ट्रेडिंग से है तो ट्रेडिंग में कर दिया, पहला ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग में। उसके बाद जो छूटा हुआ था यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस, हमने लाइबिलिटी में भी पोस्ट कर दिया। यानी इस साल हमारी टोटल वेजेस कितनी थी, 12,000, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जितना देना बाकी था 2,000, तो हमने पोस्ट कर दिया। उसी तरह सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी है प्रॉफिट लॉस, सैलरी 2,400 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, तो टोटल हो गया 3,600। तो हमने यहाँ आउटस्टैंडिंग जो हमारा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में दिया था कि आउट सैलरी छूटी है 1,200 से, तो सैलरी हमने पोस्ट कर दी। उसी तरह रेंट भी था, उसी तरह डेप्रिसिएशन भी था, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी था। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सो यू हैव टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन।